Hi friends, happy Teachers Day to all my friends, happy Teachers Day to all my teachers, because of whom I am here today. आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मेरे टीचर्स के बदौलत हूँ. उनका इंस्पिरेशन, उनका मोटिवेशन, उनका नॉलेज शेयरिंग, ये सब चीज़ों ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स. आज अगर मैं एक कैमरा के सामने वीडियो बना सकता हूँ, आज अगर मैं बच्चों के सामने खड़े रहकर पढ़ा सकता हूँ, पब्लिक स्पीच दे सकता हूँ, तो इसका जो नींव है ना, 5 साल की उम्र में जब मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर ने मेरी उंगली पकड़कर स्टाफ रूम ले जाकर सारे टीचर्स के बीच में टेबल के ऊपर खड़ा रखकर मुझे उस दिन स्पीच देने के लिए जो इंस्पायर किया था, जो कॉन्फिडेंस दिलाया था, बस वह हो मेरी नींव. उसी का रिजल्ट ये है. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट टीचर. मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, तो ऑब्वियस है कि मुझे टीचर बनने की इच्छा नहीं थी. मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, मुझे एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनना था, और मैंने शुरू भी कर दिया था. लेकिन इंस्पिरेशन फॉर माय मॉम, मैं जब भी मेरी मम्मी को देखता था एज ए टीचर टीचिंग टू फ्यू किड्स जस्ट फॉर 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, 10 रुपया महीना, जस्ट क्योंकि वो चाहते थे कि कोई बच्चा आगे बढ़े, कोई गरीब बच्चा कुछ करे, क्योंकि टीचिंग का कोई वैल्यू नहीं, टीचिंग का कोई मनी वैल्यू नहीं होता है, राइट? इट इज़ प्राइसलेस थिंग. और वो इंस्पायर किया मुझे, और मैं आज एक एंटरप्रेनर तो नहीं बना, लेकिन एज ए टीचर कई एंटरप्रेनर बना रहा हूँ, एंड दैट्स माय रोल. और आज मुझे वो समझ पड़ा कि एज ए इंडिविजुअल यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन, बट एज ए टीचर यू कैन मेक मैनी बिजनेसमैन. दैट्स राइट, दैट्स अ जॉब ऑफ दिस. इसके जैसा नॉबल जॉब शायद कहीं होता, शायद मैं इतना खुश नहीं होता अगर मैं वो बिजनेस मैंने अब कंटिन्यू किया होता तो. सो आई एम थैंकफुल टू माई मॉम हु इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर. थैंक यू वेरी मच. एज ए टीचर मैं मानता हूँ कि सिलेबस, क्यूरिकुलम, कोर्स, ये कोई भी सिखा सकता है. यस, ये कोई भी सिखा सकता है, राइट? ई इज इक्वल टू MC², ये प्रूवन है. और ये सिर्फ बच्चों को पढ़ना है, उसे लाइफ में काम आएगा नहीं आएगा उसे नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि E इज इक्वल टू MC² ही होता है. लेकिन अगर एक टीचर E फॉर एनलाइनमेंट, M फॉर मैनकाइंड, C फॉर केयर एंड C फॉर कॉन्फिडेंस अगर ये सिखाते हैं, तो ये वर्ल्ड जो है ना और मस्त बन सकता है और ब्यूटीफुल बन सकता है. वी डोंट नीड स्कॉलर्स, we need good human beings. Every human being is intelligent within himself. Sundar Pichai intelligent hai, but is a good human being also. And that human being jo hai na, wahi Sundar Pichai ka identity hai. That's right. Aur wahi create karna hai, wahi produce karna hai har teacher ko. Friends, agar Bill Gates ke samne ye agar duniya jhukti hai, to Bill Gates अपने आज भी वो लाइब्रेरियन टीचर के सामने झुकता है, सैल्यूट करता है. दैट्स व्हाट टीचर मेक्स, दैट्स व्हाट टीचर मेक. और ये जो वैल्यू, जो रिस्पेक्ट एक टीचर को मिलता है, शायद ही कोई प्रोफेशन को मिलता होगा. सो आई एम प्राउड टू बी टीचर, एंड आई होप यू आर ऑल्सो. मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा. रमेश एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट एक गांव में पढ़ता था, गांव के पंचायत स्कूल में पढ़ता था. उसके पिताजी वहां के जमींदार के खेत में मजदूर का काम करते थे, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली थोड़े पीछे थे. रमेश पढ़ाई में थोड़ा होशियार था, लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट में थोड़ा सा पीछे था. उसका वो कॉन्फिडेंस जो है वो लैक करता था. स्कूल में जो एक टीचर थे, उस टीचर ने
देखा कि रमेश बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे लाता है लेकिन मैथ्स में नहीं ला पा रहा है, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है? तो उन्होंने जरा सा चेक किया, उनसे बात की तो पता चला कि उसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। तो जो क्लास में जितने सम्स होते थे वो उसी का प्रैक्टिस करता था, तो इसकी वजह से उसके मार्क्स थोड़े कम आ गए थे। टीचर ने एक आइडिया किया, उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी स्पर्धा वर्धा जैसे रखा और किसी बहाने रमेश को एक विनर बनाया एक कंपटीशन में और उसे एक गिफ्ट दिया, बोले ये आपका गिफ्ट है। रमेश ने उस गिफ्ट को खोल के देखा तो उसमें मैथ्स का 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक था। रमेश इतना खुश हो गया, उसके लिए वो गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट था और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा गया, वो प्रैक्टिस करने लगा और मैथ्स में जो उसकी रुचि थी वो भी बढ़ गई। साल निकलते गए, रमेश बड़ा हो गया, शहर में पढ़ने चला गया और फिर यहाँ टीचर, उनकी भी उम्र हो गई और फिर वो रिटायर्ड हो गए। उनको गवर्नमेंट सर्वेंट थे इसलिए उनको थोड़ी पेंशन भी आ रही थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो जब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो जो हृदय में वॉल में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो वो थोड़े से चिंतित हो गए। एक दिन वो टीचर अचानक बेहोश हो गए तो गांव वालों ने उनको ले जाके शहर एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब वो बेहोश रहे वहाँ बेहोशी में उनका ऑपरेशन भी किया गया और भगवान की दया से वो टीचर बच गए। तो जब उनको होश आया तो वो बेड पे लेटे हुए थे और उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल जो है बहुत ही आलीशान था, तो वो डर गए, बोले इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आ गए। और फिर उनको पता चला उनका ऑपरेशन हो गया और वो बच गए, लेकिन वो डरे हुए थे कि इसका बिल क्या आएगा। उन्होंने एक नर्स को पूछा तो नर्स ने बताया कि 7-8 लाख रुपए जितना होगा। तो उन्होंने अपने सारे सेविंग्स इकट्ठा करके पैसे की तैयारी कर दी। फिर भी वो थोड़े से डरे डरे थे कि इतना पैसा कहाँ से देना है, क्या है वो। और तभी एक नर्स एक कवर लेके आए जो मेडिकल बिल था, हॉस्पिटल बिल था। सर टीचर जो है बहुत डरे डरे से उन्होंने उस मेडिकल बिल को खोला और देखा तो बिल बिल्कुल खाली था और उसमें बीच में लिखा हुआ था पेड फॉर मैथ्स टेक्स्ट बुक 8th स्टैंडर्ड। हाँ दोस्तों, वो रमेश आज उस हॉस्पिटल का डीन था। वो उसने जब टीचर को बेहोशी में लेके आए थे उसने देखा कि ये मेरे सर हैं, ये मेरे वो गांव के टीचर हैं। उन्होंने सारे स्टाफ को अलर्ट किया और ऑपरेशन हुआ, खुद ने ऑपरेशन किया और उनका इतना केयर किया और उनका ये बिल भी पे कर दिया। दिस इज व्हाट वी गेट फॉर, दिस इज व्हाट अ टीचर्स जॉब डू। एक अमीर आदमी जब चलता है ना दोस्तों, तब उसके इर्द गिर्द जो होते हैं ना वो पब्लिक होती है जो उसके पैसे के मोह से, उनके पैसे के अट्रैक्शन से चलती हैं। लेकिन जब एक टीचर चलते हैं ना तो उनके इर्द गिर्द इतनी दुआएं होती हैं, सैकड़ों बच्चों की दुआएं होती है जो कंपेयर ही नहीं कर सकते, बहुत प्रेशियस चीज है। यस, वी मस्ट बी प्राउड टू गेट दिस नोबल जॉब। डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी यही इच्छा थी कि व्हेन आई एम नॉट देयर आई विल अप्रिशिएट इफ पीपल रिकॉग्नाइज मी एज ए टीचर रैदर देन ए साइंटिस्ट। दोस्तों, टीचर खुद में एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है, एक एनर्जी है और एक ह्यूमैनिटेरियन है। ये सारे जो गुण है ना, ये गुण ट्रांसफर होता है
टीचर से बच्चों तक, एंड दिस गिव्स अ रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. वी नीड अ ह्यूमन बीइंग, वी डोंट नीड अ स्कॉलर. यस, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल प्लानेट को ह्यूमन बीइंग की जरूरत है rather than scholar and intelligence. So, I just want to tell or share something about success. This is habit of success. Yes, ये habit of success अगर हम बचपन से शुरू करते हैं ना, तो वो जो बच्चा है वो बड़ा होके खुद ब खुद सक्सेसफुल बन जाता है. सक्सेसफुल का मतलब बताता हूँ मैं. सक्सेसफुल doesn't mean you become the topmost person. नहीं, successful means a satisfied and contented person. Because success का कोई limitation नहीं है, end of point नहीं है. Success is a just a staircase like. तो अगर आपको लग रहा है कि मैं पहला staircase चढ़ गया, तो celebrate it. Celebrate करो, you are a successful person. आप second staircase चढ़ रहे हो, celebrate. ये जो आपने जो celebrate किया ना, वो आप में एक मोटिवेशन लाएगा. ये जो सेलिब्रेट किया ना, वो आपका खुद पे खुद का इंस्पिरेशन बन जाएगा, एंड सेकंड स्टेप आप आराम से चढ़ जाओगे. यस, दैट्स हाउ द हैबिट ऑफ सक्सेस बिकम्स. ये चीज मैं खास बताना चाहूँगा उन प्राइमरी टीचर्स के लिए. मेरे ख्याल से प्राइमरी टीचर्स को सबसे ज़्यादा पे देना चाहिए. जो शेप देना होता है ना, वो शुरू होता है प्राइमरी में. If you get a good primary teacher, your product in the high school and higher secondary school are automatically going to be the finest one or the best one. Yes. तो ये primary teachers जो हैं, उनको एक appreciation वाला practice करना जरूरी है. Appreciation. When you take a test, when you ask a question, when he replies, a student replies, right? Say very good, बहुत अच्छा है, चलो clap करो सब. This appreciation inspires a point in him, motivate him to give the next answer. Yes, that next time he raises his hand very confidently. This is how it happens. The appreciation है. अच्छा, ये तो बात हुई जो आंसर दे रहा है. जो आंसर नहीं दे रहा है, उसे कैसे करना है? उसे आप सामने से उठाइए. वो नहीं दे रहा है तो उससे कैसे भी आंसर लिए, उससे आंसर लेके आना जरूरी है, उससे आंसर निकलवाना जरूरी है. अगर उसने आंसर कुछ गलत भी बोला ना, उस आंसर को कहीं ना कहीं से ज्वाइन कीजिए. यस, आपका आंसर राइट है, लेकिन ये भी हो सकता है, ऐसा बोलोगे तो और अच्छा रहेगा. वेरी गुड, गुड, बस इसी तरह बोलते रहो. एप्रिशिएशन, दिस स्मॉल 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 सक्सेस वन डे बिकम्स अ बिग सक्सेस. यस, इसको बोलते हैं हैबिट ऑफ सक्सेस. सर्वे ये कहता है कि जो बच्चों को बचपन से टोका जाता है, यू आर ए डल स्टूडेंट, यू आर ए स्टूपिड, यू आर ए इडियट, तुम आर पढ़ाई के लायक नहीं हो, तुम गधे हो, ये साइकोलॉजिकली काम करता है. वो फिक्स कर लेता है कि मैं गधा हूँ, मैं कुछ लायक नहीं हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आएगा, राइट? तो ये जो है ना, ये जो बातें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये 80% काम करता है. आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको सब रीत से चेक करेंगे, राइट? आपको दवाई देंगे, टेबलेट्स, वो लाल पीली हरी इस तरह टेबलेट देंगे. फिर जब आप उनको आखिर में पूछोगे ना, डॉक्टर क्या हुआ, कैसा है, कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा, दो दिन के बाद मिलना. ये जो कुछ नहीं और अच्छा हो जाएगा ना, ये दो चीज़ जो है आपको अच्छा कर देता है. टेबलेट तो सिर्फ 30% काम करता है, लेकिन वो जो सर का, डॉक्टर सर का जो वर्ड्स है, वो 70% काम करता है. एंड दिस इज वॉट आवर प्रोफेशन ऑल्सो डस. आपकी एक एक बात उसके माइंड में और उसके दिल में जाके बैठती है. आज भी आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को पूछिए, वो अपने प्राइमरी टीचर का पूरा लाइन बोलेगा कि मुझे ये टीचर ने ये कहा था. बिल गेट्स
आज भी उस लाइब्रेरियन टीचर के बात उनको याद है, उनका इंस्पिरेशन उनको याद है, राइट? दिस इज हाउ इट कम्स. सो द प्राइमरी सेक्शन जो है, दे आर द बेसिक, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच प्लेस द रोल इन मेकिंग ऑफ ह्यूमन बींग, इन मेकिंग ऑफ अ गुड पर्सन. सो फ्रेंड्स, आई कॉन्ग्रेचुलेट पर्सनली फॉर चूजिंग दिस पायस जॉब एंड बिकमिंग अ टीचर, राइट? थैंक यू वेरी मच. हैप्पी टीचर्स डे ऑल टू ऑल. हैप्पी टीचर्स.